लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच अलीराजपुर जिले में मतदान जारी है, जहां अलीराजपुर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के महापर्व में जहां एक और हर कोई अपनी मतदान रूपी आहुति दे रहा है, वहीं अलीराजपुर के DM डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर सपत्नी मतदान केंद्र पर आए और उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। सर, आज आपने वोट दिया है, वोट देने के पश्चात जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, पिछले कई दिनों से हम लोग स्वीप एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं और सभी लोगों से मैंने पूरे ज़िले में आह्वान किया हुआ है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो मैं अपनी कही हुई बात को रखा है मैंने भी, और मैं अपनी पत्नी के साथ आज प्रातः बिना जलपान किए हम लोग दोनों ही मतदान के लिए आए हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर करीब 25 लोग वोट डाल चुके थे अब तक, और आज भगवान की कृपा भी है कि धूप थोड़ी कम है, तो मुझे उम्मीद है कि जिला अच्छा मतदान करेगा, हम अपना प्रत्याशी चुनेंगे। ये राष्ट्रीय गर्व का त्यौहार है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। मैं पुनः सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग आज भारी संख्या में मतदान करें। धन्यवाद। आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी वोट दे, अपना मताधिकार के उपयोग के पश्चात आप दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मैं क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे यही संदेश है, मौसम का भी साथ है और हमारा अधिकार भी है। इस अधिकार हम हमेशा ये रहता है कि हम अपने अधिकार, हमें अपने अधिकार नहीं मिलते हैं। ये एक ऐसा अधिकार है जिसमें आप अपना अधिकार को पूरा करते हो, कर्तव्य भी पूरा करते हैं राष्ट्र धर्म की ओर, तो उसके बाद कंप्लेन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति ने अपना ये अधिकार वो करना चाहिए, सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अलीराजपुर DM और उनकी धर्मपत्नी ने यह संदेश दिया है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि अपने मतदान का उपयोग करें, वोट जरूर करें।